नमस्कार, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सलोनी शर्मा। स्वागत है आपका हमारे इस खास बुलेटिन में। गिर सोमनाथ जिले में भारी बारिश के कारण त्रिवेणी संगम उफान पर है। आपको बता दें कि हिरण कपिला और सरस्वती तीन नदियों का एक साथ सोमनाथ मंदिर के पास संगम है। तीनों नदियां संगम के बाद अरब सागर में जाकर मिलती हैं। इसमें पवित्र त्रिवेणी संगम का अद्भुत दृश्य है। वहीं सूरत शहर कामरेज में टोल प्लाजा पर कार चालक ने टोल भरने को इनकार करके टोल प्लाजा के कर्मचारियों के साथ मारपीट की। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। कार चालक ने टोल ना देने को लेकर कर्मचारियों के साथ पिटाई की। कार चालक के अन्य साथियों के साथ मिलकर उसने टोल कर्मचारियों के साथ मारपीट की। कुछ दिन पहले भी टोल प्लाजा पर मारपीट की घटना सामने आई थी। रात हुई तेज बारिश से चोटिला राष्ट्रीय राजमार्ग पर गड्ढे हो गए हैं। राजमार्ग से सीधे ही देश का सब सुप्रसिद्ध यात्रा धाम चोटिला आ सकते हैं, लेकिन जिस तरह से रास्ते में गड्ढे हुए हैं तो लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चोटिला सहित ग्रामीण इलाकों में भारी बारिश से नेशनल हाईवे पर जगह जगह गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। सरकारी रजिस्टर में एक रात करीब 5.5 इंच बारिश दर्ज की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने G20 की अध्यक्षता संभाली है और भारत ने सभी के लिए व्यवहारिक वैश्विक समाधान खोजने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। G20 में भारत की अध्यक्षता देश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ है, क्योंकि ये आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के साथ मेल खाता है। जुलाई महीने में गुजरात में B20 और G20 वर्किंग ग्रुप के बैठक के साथ साथ मंत्री स्तर की बैठक का आयोजन किया गया है। B20 बैठक 1 जुलाई को यानी आज सूरत में होगा, जबकि व्यापार और निवेश कार्य समूह की तीसरी बैठक 10 से लेकर 12 जुलाई 2023 तक एकता नगर केवड़िया में होगा। कपड़ा, वित्त, बैंकिंग और हीरे जैसे विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाली G20 देशों के लगभग 200 प्रतिनिधि आज सूरत में होने वाले B20 बैठक में भाग लेंगे। B20 एक प्रतिष्ठित मंच है जो दुनिया भर के प्रतिभाशाली व्यापारी नेताओं, नीति निर्माताओं और विशेषज्ञों को एक साथ लाता है। हरदोई के अतरौली थाना में तैनात सब इंस्पेक्टर दिलीप पांडे का रुपए लेते एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि थाना परिसर के अंदर वो किसी व्यक्ति से कुछ रुपए ले रहे हैं। जिस व्यक्ति से रुपए लिए जा रहे हैं उसके ही किसी साथी ने रुपए लेने का पूरा वीडियो बनाया और उसको सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इस पूरे मामले पर अपर पुलिस अधीक्षक निपेंद्र कुमार ने बताया कि CEO संडीला की प्रकरण की आज जांच सौंपी गई है। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद इस मामले पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। पूरा मामला है, क्या कार्रवाई? यह थाना अतरौली का प्रकरण है जिसमें एक सब इंस्पेक्टर दिलीप पांडे, उनके और एक व्यक्ति के बीच जो है पैसे को लेन देन का एक वीडियो वायरल हो रहा है। उस संदर्भ में CEO संडीला को जांच दी गई है, उसमें जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई। वहीं रायबरेली के प्रभारी मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने शहर की बदहाल सूरत के लिए कांग्रेस के नगर पालिका अध्यक्ष को क्लीन चिट देते हुए अपनी ही पार्टी के अध्यक्ष को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि पहले नगर पालिका ने काम नहीं किया, जिसका नतीजा है कि पहले ही मानसून बारिश में शहर की सूरत बिगड़ गई है। दरअसल रात में रुक रुक कर हो रही बारिश के बाद पूरा शहर जलमग्न हो गया। प्रगतिपुरम जैसे पॉश इलाकों में काफी हिस्सा डूब गया, जिससे दर्जनों निवासी अपने घरों में कैद हो गए। विकास कार्यों की समीक्षा करने पहुंची प्रतिभा शुक्ला, जब शहर में हर तरफ हुए जल भराव को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का निर्देश है कि जहां जहां जल भराव हो वहां काम किया जाए। उन्होंने कहा कि नाली नालों की सफाई का काम पहले नहीं हुआ, इसलिए जल भराव हुआ है। ये बोलते समय प्रभारी मंत्री भूल गए कि पहले उन्हीं की पार्टी नगर पालिका अध्यक्ष थी। देखिए, 2-3 पॉइंटों पर बैठक हो पाई, जिसमें हमारा विद्युत विभाग की तरफ से विद्युत विभाग की तरफ से उपाय है जो भी तार टूट रहे हैं,
गिरे हैं उनको जल्दी से सही किया जाए, जो नए तार जहाँ टूटे फूटे उनको चेंज किया जाए, और दूसरा ये जो बड़े कहीं किसी का कनेक्शन काटा ना जाए गरीब का, और किसानों की सप्लाई सही की जाए जिसमें कहीं कोई दिक्कत ना हो किसान भाइयों को सिंचाई करने में। दूसरा ये भी कहा गया है कि अब किसी का कनेक्शन काटा नहीं जाएगा। वहीं कुशीनगर जिले की रहने वाली गरीब महिला को यह यकीन नहीं हो रहा है कि उसका बच्चा जो दो दिन पहले चोरी हो गया था अब वापस मिल गया है। उसकी खुशियों का ठिकाना नहीं है। लेकिन माँ से बच्चे के बिछड़ने की ये कहानी बड़ी दिलचस्प और अजीब है। शाहपुर थाना अंतर्गत रुखसाना नाम की ये महिला मजदूरी करके अपना पेट पालती थी। तभी उसका बेटा जो 3 साल का है 25 तारीख को चोरी हो गया, वो भी रात के 1:30 बजे जब वो अपने बच्चे के साथ सो रही थी। आसपास खोजने पर जब उसका कोई पता नहीं चला तब वो पुलिस के पास पहुंची। पुलिस ने मशक्कत की, सीसीटीवी कैमरे को खंगाला, तब जाकर असली कहानी का पता चला। अब जरा ये कहानी भी सुन लीजिए। लड़के पाने की चाहत में रवीना वर्मा नाम की औरत, जिनकी तीन बेटियां थी, उसको एक बेटा चाहिए था, वो भी चोरी करके। उसने अपने ही यहाँ दर्जी का काम कर रहे बेतला अंसारी को अपनी ख्वाहिश का इजहार किया और उसी की इस नाजायज ख्वाहिश को पूरा करने के लिए 3-4 महीने से बेतुल एक लड़के की तलाश में था। ये मौका मिला मजदूरी करने वाली रुखसाना के यहाँ। 4-5 दिन लगातार आसपास के इलाकों का वेट किया, उसके बाद रुखसाना के 3 साल के बच्चे को चुरा लिया और चुराते ही रात को उसने रवीना वर्मा को सौंप दिया और रवीना ने अपने ससुर जो बिहार में रहता है उसे इस बच्चे को उसके हवाले कर दिया। पुलिस ने इस बाबत पूरी मेहनत की, सीसीटीवी कैमरे को खंगाला, बेतला अंसारी को पुलिया के आसपास के लोगों ने पहचान लिया, तब जाकर असली कहानी सामने आई। शहर के एफसीआई गोदाम में बारिश से गेहूं को बचाने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आपको बताते चले कि रायबरेली एफसीआई के गोदाम की क्षमता 71,000 मैट्रिक टन है। अनाजों को रखने के लिए डिपो में कई गोदाम बने हैं जिनको बारिश के पहले ही पूरी तरह से कंप्लीट करा दिया गया ताकि मानसूनी बारिश में गोदामों में रखे अनाज सुरक्षित रहे। चूंकि उत्तर प्रदेश में गेहूं की प्राप्त खरीद ना हो पाने के कारण पंजाब के तपा गोदाम से मालगाड़ी की 56 रैक गेहूं मंगवाकर गोदामों में सुरक्षित रखवा दिया गया है ताकि गरीबों को मिलने वाले अनाजों में किसी तरह की कोई दिक्कत या परेशानी ना हो। फिलहाल जो आपको सूचना मिली है वो गलत मिली है। बारिश जरूर हुई है लेकिन जो पंजाब से गेहूं आया हुआ है ये कुछ भी भीगा नहीं है। वो आपने डिपो में हमारे दिख भी लिया है, अभी भी काम चल रहा है। बारिश जरूर बहुत तेज हुई, काम थोड़ा स्लो जरूर हुआ लेकिन ये कि कोई भी अनाज भीगा नहीं है ना, वेस्ट हुआ है फिलहाल। ये कितना सर गेहूं आया था, कहाँ से आया था? ये पंजाब से तपा है डिपो, वहाँ से जो है आया है। 58 वैगन की जो है एक रैक आई हुई है। उत्तराखंड में बारिश से हाल बेहाल है। मॉनसून के दस्तक के साथ ही नदी नाले उफान पर पहुंच गए हैं। हरिद्वार में भी हो रहे लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। वहीं गंगा नदी से लगते हुए गांव में भी बाढ़ का खतरा बना हुआ है, जिसको देखते हुए धीराज सिंह गब्रियाल जिलाधिकारी हरिद्वार ने सभी बाढ़ नियंत्रण चौकियों, बैराज और आपदा प्रबंधन की चौकियों को अलर्ट पर रखा है। लक्सर और कानपुर ब्लॉक में सोलानी और बाण गंगा नदियों का जलस्तर बढ़ने से नदी से लगते हुए गांव में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न होने की आशंका है, जिस कारण उन लोगों को वहां से शिफ्ट करना पड़ा। जिलाधिकारी ने कहा कि हम गंगा और उसकी उप सहायक नदियों में जलस्तर पर नजर रख रहे हैं। बाढ़ जांच चौकी के कर्मी, आपदा प्रबंधन कर्मी, पुलिस और SDRF के कर्मी अलर्ट पर हैं। तो उनको एक्टिवेट हम लोगों ने पहले भी कर दिया है। और हरिद्वार में थोड़ी सी पिकुलर एक समस्या क्या है कि लो लाइंग क्षेत्र है और जलभराव की समस्या ज़्यादा आ जाती है, तो ऐसे दशा में लोगों को तत्काल कहीं शिफ्ट करने की आवश्यकता पड़ सकती है। जब जल स्तर बढ़ जाए, नहरों के ऊपर से पानी ओवरफ्लो होने लग जाए, तो उसके लिए हम लोग अपनी एक दीर्घकालिक योजना हम बना रहे हैं। शहर में जहाँ जहाँ पर जल भराव की स्थिति हुई थी, वहीं हरिद्वार ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया हरिद्वार स्थित पार्क में अचानक हाथी के आ जाने से अफरा तफरी का माहौल हो गया, जिसका वीडियो राहगीरों के द्वारा बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। आपको बताते चले कि शिवलिंग पर्वत मालाओं से सटे राजाजी नेशनल पार्क से जंगली जानवरों का रुख अक्सर रिहायशी इलाकों में
होता है रहता है। वहीं राजा जी नेशनल पार्क की सीमाओं से सटे ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया हरिद्वार के जंगल से सटा होने के कारण उक्त क्षेत्र में जंगली जानवरों की आवाजाही अक्सर देखने को मिलती रहती है। वन विभाग की लाख कोशिशों के बावजूद भी जंगली जानवरों का रिहायशी इलाकों की ओर आना बदस्तूर जारी है। उसी कड़ी में एक जंगली हाथी ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया हरिद्वार के पार्क में टहलते हुए नजर आया, जिसको देखकर पार्क के आसपास से गुजरने वाले मार्ग पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और एक राहगीर के द्वारा पार्क में टहल रहे हाथी का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया गया, जो इस वक्त वायरल हो रही है। वहीं उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच ने चिन्हीकरण की प्रक्रिया पुनः शुरू करने और राज्यधीन सरकारी सेवाओं में 10% क्षैतिज आरक्षण की बहाली की मांग को लेकर तहसील मुख्यालय नारायणगढ़ में प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। आंदोलनकारी संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच नारायणगढ़ ने शंखनाद के साथ ही तहसील कार्यालय पर अपनी मांग के समर्थन में प्रदर्शन किया। इस मौके पर तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजे गए ज्ञापन में राज्य आंदोलनकारियों ने कहा कि मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था कि आंदोलनकारी की मांग पर कार्यवाही करते हुए चिन्हीकरण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आंदोलनकारियों ने चेताया कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो वह इस बार आर पार की लड़ाई के लिए बाध्य होंगे। इस अवसर पर राज्य आंदोलनकारी बड़ी संख्या में मौजूद थे। हम ये अभागे, हम तो अभागे कहेंगे अपने आप को। शुरू से अंत तक जब उत्तराखंड आंदोलन हुआ था, हम अभागे छूट गए हैं। हम चाह रहे हैं कि चिन्हीकरण की प्रक्रिया लंबित पड़ी है, ये तुरंत चिन्हीकरण प्रक्रिया लागू की जाए। कतिपय जनपदों में अखबार की कटिंग से, LIA की रिपोर्ट से कतिपय आंदोलनकारी घोषित हो चुके हैं, परंतु हम अभागे विकासखंड नारायणगढ़ के हम अभागे आंदोलनकारी हैं। वहीं मंडल मुख्यालय पौड़ी स्थित आयुक्त सभागार में कमिश्नर गढ़वाल सुनील कुमार के सेवानिवृत्त अवसर पर विदाई समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में अपार युक्त NS क्विराल, जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान, SSP श्वेता चौबे, मुख्य विकास अधिकारी अपूर्वा पांडे समेत मंडलीय और जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ विभिन्न विभागों के कर्मचारी भी मौजूद रहे। इस मौके पर आयुक्त गढ़वाल मंडल सुनील कुमार को विभागीय अधिकारियों की ओर से विदाई सम्मान पत्र के साथ बुके और स्मृति चिन्ह के साथ ही सॉल भेंट कर आयुक्त सुशील कुमार के 28 साल से अधिक की सेवा अवधि के कार्य को याद किया गया। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से उन्हें आयुक्त गढ़वाल मंडल ने कैरियर की शुरुआत शॉर्ट सर्विस कमीशन के माध्यम से भारतीय सेना के कैप्टन पद से की, जिसके बाद सिविल सर्विसेज परीक्षा उत्तीर्ण कर डिप्टी कलेक्टर हापुड़ गाजियाबाद के पद से शुरुआत कर विभिन्न जिले में जिनमें देहरादून हरिद्वार मुख्य विकास अधिकारी और सचिव हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण और सचिव MDA पद पर कार्य किया। मैं सबसे पहले तो आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि जो भी मेरा कार्यकाल रहा है उसमें सभी लोगों का बहुत सहयोग मिला है और जो भी हमें कार्य मिले शासन के प्रशासन के हमने बड़ी कुशलता के साथ अब सभी लोगों के सहयोग से पूर्ण किए हैं। हाँ, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल से ही मैंने डिप्टी कलेक्टर के रूप में अपनी सेवा प्रारंभ की थी। और तहसील नारायणगढ़ के अंतर्गत मिंग में स्वास्थ्य विभाग और समाज कल्याण विभाग के संयुक्त तत्वाधान में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें प्रचार प्रसार की कमी के चलते और महीने के अंतिम तिथि को बाजारों के बंद रहने के कारण क्षेत्र के अधिक लोग इस शिविर का ज्यादा फायदा नहीं उठा सके। यह शिविर का आयोजन हुआ है, लेकिन लग नहीं रहा है कि इसका प्रचार प्रसार यहाँ पर के जिन विभाग की या जिस विभाग ने यह सूचना लोगों तक पहुंचानी थी शायद वह सूचना लोगों तक पहुंची नहीं है। और यहाँ पर इसीलिए यहाँ खाली, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि कुर्सियाँ भी खाली है और कोई यहाँ पर अधिकारी जिनको यहाँ पर देख सुविधाओं का वो देखना था वो अधिकारी भी यहाँ पर कोई नदारद दिख रहे हैं। सबसे बड़ी अच्छी पहल थी कि तमाम सुदूरवर्ती क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग और समाज कल्याण विभाग की ओर से
बहुउद्देशीय शिविर लगाए जाएँ और उसके तहत आज ग्राम पंचायत नींद में भी समाज कल्याण विभाग और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बहुउद्देशीय शिविर लगाया गया। लेकिन जिले के तमाम जो आला अधिकारी हैं वो इस शिविर में नदारत कहीं ना कहीं दिख रहे हैं और यहाँ पर जैसे स्वास्थ्य विभाग की तरफ से काफ़ी अच्छी सुविधाएं देखने को मिल रही है, लोगों को उसका लाभ भी मिल रहा है। लेकिन समाज कल्याण विभाग की अगर बात करें तो यहाँ पे तमाम पेंशन है, जैसे विधवा पेंशन, विकलांगता पेंशन, परित्यक्ता पेंशन, तीनों रहती है पेंशन। उत्तराखंड के देवप्रयाग में स्नान के दौरान हरियाणा के कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक के गंगा में बह जाने की सूचना आई है। हादसा उस दौरान पैर फिसलने से हुआ जब वो अपनी पत्नी के साथ गंगा में डुबकियां लगा रहे थे। जैसे ही हादसे की जानकारी मिली तो घटनास्थल पर हड़कंप मच गया। निदेशक की तलाश के लिए SDRF द्वारा लगातार गोताखोरों की मदद से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हरियाणा के कृषि विभाग में सेवारत और चंडीगढ़ निवासी संयुक्त निदेशक जगराज डाडी अपने पत्नी नीता और बेटी के साथ बीते बुधवार को ऋषिकेश घूमने आए थे। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए उत्तराखंड के मंत्री लगातार मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर केंद्र की योजनाओं का गुणगान करने में जुट गए हैं। वहीं आज वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से विकास को लेकर चर्चा की। इस दौरान मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं की वजह से देश चहुमुखी विकास के 7वें पायदान पर पहुंच चुका है। वर्तमान समय में 80 करोड़ गरीबों को राशन मिल रहा है, वहीं 12 करोड़ लोगों की योजना के तहत शौचालय बनाकर दिए गए हैं, 3 करोड़ लोगों को आवास उपलब्ध कराए गए हैं, 11 करोड़ किसानों की उनकी आय में वृद्धि कर लाभान्वित किया गया है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग लाइन पर निर्माण कार्य प्रगति पर है, वहीं टनकपुर बागेश्वर लाइन पर भी जल्दी ही काम शुरू होने वाला है। इसके अलावा महिलाओं के लिए उज्ज्वल गैस योजना हो या अन्य कोई योजना, सभी योजनाओं से जनता लाभान्वित हुए हैं। लेकिन कुल मिलाकर मैं कह सकता हूँ ये 9 वर्ष का जो कार्यकाल माननीय मोदी जी का रहा है, जिसे हम स्वर्णिम कार्यकाल कहते हैं, सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण को समर्पित ये 9 साल, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 80 करोड़ लोगों को आज भी राशन मुफ्त में दिया जा रहा है, 11 करोड़ 88 लाख लोगों को आज भी नल से जल देने का काम किया गया है, उसके साथ साथ 11 करोड़ 72 लाख लोगों को शौचालय इस दौरान उसका निर्माण करके उनको सौंपा गया है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ वाले इंडिया।